सो गाइस मेरे पास फाइनली आ गया है वन प्लस का 10R मॉडल और आज हम देखने वाले हैं कि क्या वन प्लस यूजर्स को ये वाले स्मार्टफोन में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे वीडियोस आप लोगों ने देख ले होंगे और काफी सारे कंफ्यूजन्स भी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आज आपको जेन्युइनली दोस्तों बताने आऊंगा कि क्या रियली ये स्मार्टफोन वर्थ है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त भाविन लेके आ गया नया सा वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड देखते हैं कि ये वाले बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है वन प्लस का लोगो रेड कलर के कंटेनर के साथ। यहाँ पे इसके अंदर की बात करें तो कुछ ज्ञान बांटने की पुस्तिकाएं है, इसे आप आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट का सिलिकॉन कवर दिया है जो ड्यूरेबल है, और आप लोगों को पता ही है वन प्लस के कवर्स वैसे भी अच्छे आते हैं। उसी के बाद बॉक्स हो गया है खाली, इसको कर देते हैं साइड में और आते हैं दोस्तों अपने फोन के साथ। बट फोन में बाद में आते हैं, पहले देखते हैं इसका 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जिंग। जी हाँ गाइस, ये है 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जिंग। बेसिकली सुपर वूक नाम ओप्पो का है। जी हाँ, ओप्पो ने इस चार्जर को डेवलप किया था और अब दोस्तों फाइनली हमें लग रहा है कि वन प्लस एंड ओप्पो का फाइनली गठबंधन हो गया, यानी कि आने वाले टाइम में और आने वाले जितने भी स्मार्टफोन रहेंगे वहां पे हमें ओप्पो एंड वन प्लस की काफी सारी चीजें सिमिलर देखने को मिलने वाली है। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ओप्पो वन प्लस मर्ज होने के बाद से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कमेंट सेशन में जरूर से बताना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का टाइप सी टू यूएसबी चार्जिंग केबल देखने को मिलेगा जो रेगुलरली हर एक स्मार्टफोन में अभी आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके बैक की। तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जो दिखने में तो काफी अच्छे है। आगे देखते हैं कि इनके जो इतने बड़े बड़े कैमरे है वो एक्चुअली उतने वर्क करते हैं कि नहीं करते। सो नीचे की साइड और दोस्तों साइड फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है प्लास्टिक बॉडी। क्या बोला तूने? प्लास्टिक बॉडी, यस आप लोगों ने सही सुना, वन प्लस ने यहाँ पे दोस्तों ये प्रीमियम स्मार्टफोन के अंदर डाउनग्रेड किया है, वो भी प्लास्टिक बॉडी देख। बट डेफिनेटली दोस्तों प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से यहाँ पे लाइट वेट फोन भी हमें देखने को मिलता है। बाकी इनेन फील दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे वन प्लस की फीलिंग ये स्मार्टफोन में नहीं आती है। आई डोंट नो क्या क्यों नहीं आ रही है, बट नहीं आ रही है, गजब बेइज्जती है। आगे बात करें तो दोस्तों साइड्स पूरे यहाँ पे फ्लैट है, यानी कि पूरा आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों आपको इनेन फील तो अच्छा रहने वाला है, हालांकि भले आपको वन प्लस की फीलिंग नहीं आएगी बट फोन ग्रिप में काफी अच्छा है और काफी लाइट वेट भी दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है। उसी के साथ यहाँ पे एक सरप्राइजिंग वाली बात है और काफी दोस्तों डिसएडवांटेज है, डाउनग्रेड है ये वाले स्मार्टफोन में, वो है दोस्तों यहाँ मुझे कहीं पे भी अलर्ट स्लाइडर की नहीं दिखी। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस ने ये चीज को रिमूव कर दिया। आई थिंक वन प्लस के नोट सीरीज के अलावा हर एक स्मार्टफोन में हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता था, बट आई डोंट नो इसमें क्यों निकाला, इसकी जरूरत थी, क्योंकि वन प्लस यूजर अगर आप हो तो आपको पता ही होगा कि अलर्ट स्लाइडर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है। बट दोस्तों अगर आप लोग वन प्लस यूजर नहीं हो और अगर आपको अलर्ट स्लाइडर से कुछ मतलब ही नहीं है, देन यू शुड बाय दिस स्मार्टफोन। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें दोस्तों 10 बीट का 6.7 इंच का FHD फ्लूडिक एमोल डिस्प्ले देखने को मिलता है। मैं यानी कि मूवीज कंटेंट वगैरह देखते हो, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पे आप हायर HDR वीडियोस भी सपोर्ट करता है, तो आप आराम से इसको देख पाओगे। और एमोल डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे हमें आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और उसी के साथ दोस्तों कलर्स काफ़ी सारे क्रंची दिखते हैं और एग्जैक्टली जो मतलब बोलते हैं ना कि क्लैरिटी में, तो दोस्तों ये फ्लूडिक एमोल डिस्प्ले काफ़ी सुपर डुपर रहती है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे 120 हर्ट्ज का टच रिफ्रेश रेट दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ ही हमें काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा टच रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और उसके साथ हम लेस स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और हमें यहाँ पे टच में कोई भी कंप्लेन नहीं आने। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमें मीडियाटेक डायमंडसिटी 8100 मैक्स का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो दोस्तों डे टू डे लाइफ के अंदर काफी अच्छी हमें तगड़ी वाली परफॉर्मेंस देता है। कोई भी दोस्तों हमें लैग वगैरह नहीं दिखता है, आप कितने भी एप्लीकेशंस को रीओपन कर लीजिए यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं देखने को मिलती है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें दोस्तों स्मूथ मल्टीटास्किंग का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे BGMI वगैरह खेली थी, सो मुझे यहाँ पे कुछ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखे और 60 FPS पे ही अभी रन हो रही है, तो आई थिंक यहाँ पे ये वाले स्मार्टफोन में चिप के अंदर हमें ऑप्टिमाइजेशन की कमी दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद हम यहाँ पे 120 FPS तक के भी गेमिंग कर पाएंगे। सो दोस्तों गेमिंग में भी कोई भी अभी कंप्लेन आ रही है, बट आने वाले दिनों में वो भी सॉर्ट आउट होने वाली है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो अगर आपने 150 वॉट वाला मॉडल लिया है तो यहाँ पे आपको दोस्तों 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा,
और अगर आपने 80 वाट वाला मॉडल लिया है तो यहाँ पे आपको पूरा 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। कैमरा पार्ट की बात करें तो दोस्तों प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ सोनी IMX766 सेंसर्स के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल्स लिए हैं, आप लोग देख सकते हो कि काफी अच्छी सी क्लैरिटी आती है। अब कलर्स कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे लिए। आप देख सकते हो कि काफी अच्छी सी सेल्फी यहाँ पे निकल के आती है, और नाइट में भी मैंने इसको ट्राई किया था, नाइट को भी दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी सी क्लैरिटी हमें दिखाई दे रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों प्राइमरी कैमरे से आप दोस्तों 4K 30fps फुल HD में 60fps तक के वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे विथ EIS एंड OIS। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज स्टेबिलिटी जो रहती है, यानी कि अपने वीडियो की जो स्टेबिलिटीज है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत सिनेमेटिक वीडियोस भी शूट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। इसके साथ फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में ओनली आप FHD 30fps तक ही रिकॉर्ड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 4K आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन OS 12 के साथ बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा निकल के आता है। सो डोंट वरी, यहाँ पे भी आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहने वाले। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे कंपनी 3 साल का हमें अपग्रेड देने वाली है, यानी कि आप 3 साल तक अपने फोन स्मार्टफोन को जो एंड्रॉइड वर्जन है उसको 3 साल तक अपडेट कर पाओगे। ऑल ओवर दोस्तों फोन काफी अच्छा लगा मुझे, बट फाइनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर इसमें अलर्ट स्लाइडर एंड दोस्तों ग्लास या तो आपको मेटल बॉडी दिया होता तो काफी अच्छा रहता। और दोस्तों अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।